अब यहां से आपसे बात कर रहा हूं, हमारा दीन, हमारी शरीयत, हमारा ईमान, हमारा मजहब, हमारा अकीदा ये कहता है पांच पंचतन पांच, इमाम बारह, मासूम चौदह, 72 शुहदाए करबला और 1,24,000 अंबिया की फेहरिस्त पर मुश्तमिल। तवज्जो का तालिब हूं ताकि मैं जो जिस उन्वान को लेकर चल रहा हूं मैं उसके नतीजे में आप से गुफ्तगू कर सकूं। मैंने अर्ज किया कि 75 इमाम 12, मासूम 14, 72 शहदाए करबला और 1,24,000 अंबिया की फेहरिस्त पर हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारा ईमान मुश्तमिल है। मैं ये नहीं कहता कि 1,24,000 अंबिया का किरदार पढ़ो तो इस्लाम समझ में आएगा। मैं ये नहीं कहता कि 72 शहदाए करबला की फेहरिस्त पर गौर कर लो तो इस्लाम समझ में आ जाएगा। मैं ये भी नहीं कहता कि 14 मासूमीन का किरदार पढ़ो तो इस्लाम समझ में आए, हत्ता कि ये भी नहीं कहता कि 75 की फेहरिस्त पढ़ लो इस्लाम समझ में आ जाएगा। हाँ, इतना जरूर कहता हूँ कि 75 के कैरेक्टर की आखिरी कड़ी हुसैन को पढ़ लो, इस्लाम समझ में आ जाएगा, ईमान समझ में आ जाएगा, नमाज समझ में आ जाएगी, रोजा समझ में आ जाएगा, काबे की हुरमत समझ में आ जाएगी, अंबिया समझ में आ जाएंगे, औसिया समझ में आ जाएंगे, औलिया समझ में आ जाएंगे। एक हुसैन का किरदार पढ़ लीजिए, सारी चीजें खुद ब खुद खुलती चली आएगी। इसीलिए हमारे यहाँ की मजलिसों में जिक्र हुसैन इसलिए होता है कि मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा तौहीद का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा अदल का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा नबूवत का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा इमामत का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा शहादत का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा इस्मत का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा गैरत का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा पर्दे का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा कमसिनी का होगा, जब कमसिनी का तस्किरा होगा तो अली असगर याद आएंगे, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा जवानी का होगा, जब जवानी का तस्किरा होगा तो अली अकबर याद आएंगे, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा बुजुर्गी का होगा, जब बुजुर्गी का होगा तो हबीब इब्ने मजाहिर याद आएंगे, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा दोस्ती का होगा, जब दोस्ती का तस्किरा होगा तो हबीब की नुसरत याद आएगी, जब दोस्ती का तस्किरा होगा तो हबीब की नुसरत याद आएगी, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा नमाज का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा कऊद का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा सजदे का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा कयाम का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा आसमान का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा जमीन का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा चंद व फरिश्त का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा दरियाओं की रवानी का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा समंदर की दुखियानी का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा लहराते हुए दरख्तों का होगा, मजलिस हुसैन की होगी, यानी मजलिस हुसैन की होगी। और ये सारे के सारे जिक्र खुद ब खुद खुलते चले आएंगे। मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा इमामत का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा अब्दुल मुत्तलिब का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा अबू तालिब का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा मोहम्मद का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा अली का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा फातिमा का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा हसन का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा ज़ैनुल आबिदीन की इबादत का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा मोहम्मद बाकर का होगा, मजलिस हुसैन की होगी तस्किरा जाफर सादिक का होगा, मजलिस
मजलिस हुसैन की होगी, तस्करा शजाअत का होगा। जब शजाअत का होगा तो हर कृतक है, सही है कि जब भी शजाअत का तस्करा होगा तो करबला वाकया के करबला पे एक ऐसा शजा जो अपनी निगाहों पर सारी गुफ्तगू करता हो उसका जिक्र होगा, यानी गाजी अब्बास का जिक्र होगा। बस मैंने अपनी जो कुछ भी नजरी गुफ्तगू थी वो सब खत्म कर दी। मुजफ्फरनगर आने के बाद यही नहीं कि यहां बिदवे नगर के प्रोग्राम्स में बल्कि और दीगर जगहों पर जाने के बाद मैंने यह अंदाजा लगाया कि जो बात एक डेढ़ घंटे दो घंटे में की जाए उस बात को दो मिसरों में बयान कर दीजिए, पूरा मौजूद खुल के चला आता है। अब ऐसे जाने गिरा में मेरी सारी नसरी गुफ्तगू आपके अगर जहन में हो तो मैं मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब की मौजूदगी में एक बात अर्ज करूं। अभी चंद दिन पहले मेरी निगाह से एक नज़्म, बहुत लंबी चौड़ी नज़्म मेरी निगाह से गुजरी। जाहिर है कि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो सारी गुफ्तगू लंबी चौड़ी नज़्म बयान की जाए, जिससे कि आदमी कहाँ तक सुनेगा। ऐसा मैंने सिर्फ उसका एक गोशा लिया, मैं नज़्म पेश कर रहा हूं। नज़्म में बड़े कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, शेर तो आदमी जल्दी से सुन लेता है लेकिन नज़्म बड़ा नाजुक सिंफ है शायरी की। मैं उन नज़्म का आखिरी पूछा मैं आपसे पूछा रहा हूँ, सुनिएगा भैया बात। कहते हैं कि हुसैन तेरा हुसैन मेरा हुसैन इनका हुसैन उनका, पूरी तवज्जो कहां बोलना है कहां नहीं बोलना है ये आप जानिए, मेरे काम से बयान कर देना और आपको थोड़ा सा आमादा कर देना ताकि पेशानी जब होने लगे तो आपकी आवाज़ें बुलंद हो, आप दादू तहसीन चलवा सी। हुसैन तेरा हुसैन मेरा हुसैन इनका हुसैन उनका हुसैन सबका हुसैन रब का बोलिए मुजफ्फरनगर ये नज्म है, ये मन पगत नहीं पढ़ ले तो नज्म हुसैन तेरा हुसैन मेरा हुसैन इनका हुसैन उनका हुसैन सबका हुसैन रब का वो खुश्कियों का समंदरों का वो खुश्कियों का समंदरों का वो सूफियों का कलंदरों का। नतीजे तक ला रहा हूँ बस मेरी बात खत्म हो गई। हुसैन इनका हुसैन उनका हुसैन सबका हुसैन सबका हुसैन तेरा हुसैन मेरा वो खुशकियों का समंदरों का वो सूफियों का कलंदरों का हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। हुसैन करना शहीद होता बस आखिरी टुकड़ा पूरी तवज्जो जो लोग माइक से सुन रहे हैं अगर वो भी बोले तो ऐसा लगेगा कि लाख दो लाख का मजमा आ गया है। सुनिए हुसैन आखिरी आखिरी टुकड़ा सुनिएगा इसका हकीकत तो मबनी है। हुसैन तेरा हुसैन मेरा हुसैन इनका हुसैन उनका हुसैन सबका हुसैन सबका वो खुशियों का समंदरों का वो सूफियों का कलंदरों का हुसैन करना शहीद होता तो आज हर घर यजीद होता। नबी की मेहनत आया न होती खुदा के घर में आजा न होती, नबी की मेहनत आया न होती नबी की मेहनत आया न होती खुदा के घर में आजा न होती, नबी की मेहनत आया न होती खुदा के घर में आजा न होती। वजह क्या है मौलाना मौजूदगी में बात कर रहा हूँ, मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं मुझसे ज्यादा मुतालिया है, मैं उनके सामने बात कर रहा हूँ कि हुसैन के मुकाबले में एक ऐसी शख्सियत थी एक ऐसी साथ थी जिसने सिर्फ यूं ही नहीं बल्कि कुरान से आयतों को छोटा करके
कौम को बहकाने की कोशिश की, मुआशरे में उसने गलत बयानी की। कुरान में अगर कहीं एक टुकड़े में यह लिखा है कि नमाज के करीब न जाओ, तो उसने बस यही टुकड़ा लिया कि नमाज पढ़ने से कोई फायदा नहीं, कुरान में लिखा है। रोजा रखोगे कोई फायदा पहुंचेगा नहीं, हज का कोई सवाब आप नहीं है। ये सब चीजें, ये चीजें फैलाने की कोशिश की। इन सब के बावजूद उसे ये अरमान था, हुकूमत हाकिम था, हाकिम हुकूमत करने वाला था, पूरा शहर उसकी बात मानता, लेकिन उसके बावजूद भी उसे एक खलिश जरूर थी अपनी जिंदगी की कि अगर हुसैन बैत ले ले तो मेरी कामयाबी में इजाफा हो जाएगा। लेकिन हुसैन ने कौन सा जुमला उसके आगे रखा कि मुझ जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। मुझे तफसील में नहीं जाना है, ये मेरा मौजू नहीं है, खिताबत मेरा मौजू नहीं है, बस ये आपको आप तक पहुंचा। मैंने तकरीबन 7-8 मिनट का वक्त ले लिया आपका। मुझ जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। अब मुझ जैसा पूरा शजरा पढ़ लीजिए, तेरे जैसे की पूरी मौजू देख लीजिए कि इधर क्या है और उधर क्या है। मुझ जैसा तेरे जैसे की बयान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मतलब सुनिएगा कि यजीद नक्शे जोरो जफा बनाता है। भाई आप लोग आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको मुझे कोई तस्वीर नहीं देखनी है। मैं तो 200 बरस से यहाँ आया हूँ, मैं सीधे सिंपली शेर पढ़ के चला गया, दाद लेके चला गया, मुझे आपके समातों को इतना यकीन है। सुनिएगा कबला, यजीद नक्शे जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। आ जाओ आगे, बड़ी मुसीबत में बुलाने वाले उठ के चले जाते हैं। आइए आप लोग आ गए, बहुत दूर है। आप भैया जो नीली शर्ट और स्काई ब्लू शर्ट वाले लोग हैं, अब मुझे नाम तो नहीं समझ में आ रहा है, पर मैं कपड़ों से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। आइए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। मुझे बस दो शेर पढ़ना है, मैंने एक पतला पढ़ दिया। और खाली बैठिए मत, बल्कि अगर बात पहुंच जाए तो बोलिए, ताकि लगे कि हाँ 10-20 हजार का मजमा आ चुका है ना, ताकि जो लोग बाहर हैं वो भी आ जाए आपकी दाद की आवाज सुन करके। सुनिएगा दोस्तों अजीजों, मैंने दो मुझे दो शेर पढ़ने, मेरी बात सत्य हो गई। यजीद नक्शे जोरो जफा बनाता है, होता है उसमें खते करबला बनाता है। यजीद मौसम ईसिया का लाइलाज मरण। दूसरा दूसरा पढ़ू मैं, क्या दीद मौसम ईसिया का लाइलाज मरण, हुसैन खाक को खाके शिफा बनाता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामत रहिए आप, आप सलामत रहे, बोलने वाले सलामत रहे, आप सलामत रहे। परवरदिगार सत्य में बोलने वालों की आवाजों पर रहमत नाजिल कर। आखिरी शेर मुझे पढ़ना है, और मैं चाहता ये हूं जब आखिरी शेर मैं पढ़ूं तो वो लोग जो अब तक सिर्फ मुझे देख रहे हैं वो इस शेर को सुनने के बाद बोल उठे। यजीद नक्शे जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है, यजीद मौसमी इसिया का लाइलाज मरद। सुनो आखिरी शेर सुनो, यजीद मौसमी इसिया का लाइलाज मरद, मौसम इसिया का लाइलाज मरद, हुसैन खाक को आखिरी शेर, हुसैन खाक को खाके शिफा बनाता है। आखिरी शेर हुसैन खाक को खाके शिफा बनाता है कि यकीन बनते हैं दुनिया में लोग मेहनत से, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है।
मैं हाजिर कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा कर कि आप हजरात ने थोड़ा सा एक मिजाज बहरहाल इस प्रोग्राम का मिजाज दे दिया है कि यदि नक्शे चौरों चफा बनाता है हुसैन उसमें खते करबला बनाता है, यदि मौसमी रुसिया का लाइलाज मरस हुसैन खाक को खाते शिफा बनाता है, हुसैन खाक को खाते शिफा बनाता है, और यदि बनते हैं दुनिया में लोग मेहनत से। हाँ, अरे क्या कहूँ मैं आपसे, अगर एक मिसाल दे दूं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ऐसे कई लोग हैं। आप ईमानदारी से बताइए, मैं माइक से कह रहा हूँ, मैं चित्तौड़ा आजादारी के लाइव टेलीकास्ट उनके कैमरे के सामने ये बात कह रहा हूँ, उनके माइक के सामने ये बात कह रहा हूँ, जहां तक जानी हो मेरी ये बात चली जाए कि यदि बनते हैं दुनिया में लोग मेहनत से। बात गलत नहीं कही है, पैसा साहब के शेर है ये, और जहां मैंने ये पढ़ा वहां पे सिर्फ कैसा लिखा हुआ था, आधे शायर वगैरह का नाम नहीं था, तो लिहाजा बस मुझे इतना ही मालूम है। अब उन्होंने जो ये बात कही है तो वो बड़ी आसानी से नहीं कहती है, उन्होंने स्टडी की होगी, उनका कुछ रिसर्च होगी, तभी ये बात कही है ना कि यदि बच्चे हैं दुनिया में लोग मेहनत से। अब एक आदमी का नाम ले लूं, देखिए उसने कितनी स्टडी की है, कितनी मेहनत की है, मेहनत की है तभी काबिले लानत हुआ है। एक नाम मैं ले लूं माइक से, साकिब नाइक के बारे में क्या ख्याल है आप बताइए, कितनी मेहनत की है उसने। तो यजीद बनते हैं दुनिया में लोग मेहनत से, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। मेरे पास एक नाम है पेशानी के तौर पे, और अगर मेरी आवाज शबी अब्बास साहब या रजी अब्बास साहब या उनके अंजुमन का कोई फर्क सुन रहा हो तो मुझे यहाँ तक का इंस्ट्रक्शन था कि 5-7 मिनट 10 मिनट आप कुछ बोल दीजिए और उसके बाद पेशानी का एक नाम। उन्होंने कहा जब वो नाम बुला लीजिएगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या करना है, लिहाजा अगर अंजुमन दुआ चेहरा का कोई फर्क मौजूद है तो बड़ा कर मेरे पास आ जाए और मुझे गाइड कर दें ताकि मैं उसी लिहाज से प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं। ये बात थोड़ा सा यहाँ पर एक मौजूद ब्रेक हो गया है तो मैं फिर उसे कंटिन्यू करता चलूँ। मेरे दोस्त हैं, ये बात जो मैं अब करने जा रहा हूँ चंद लोगों के बीच में दो बार कर चुका हूँ दो जगहों पे, तीसरी आज कर रहा हूँ, जो दो जगह में मैंने ये गुफ्तगू की थी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मजमा था, तकरीबन जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इसका 4-5 times ज़्यादा लोग थे, लेकिन मैं उतने बड़े मजमे का इंतजार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप सब आमादा हैं, लिहाजा मैं ये बात करने जा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है पाकिस्तान में रहते हैं, अहले सुन्नत शायर, खुश अकीदा शायर, अभी मैंने परसों कानपुर में एक शबेदारी में उसके ये मिसरे पढ़ दिए, बहुत बड़ा मजमा था, मैंने वहां ये बात की, लेकिन आप सब आमादा हैं और आपकी दादो तहसीम बड़े बड़े मजमे में हो सकता है भारी पड़ जाए, इसलिए ये बात करने जा रहा हूं। उमर नजमी मेरा दोस्त है, एलेक्ट्रोन शायर उमर नजमी, उसका मतला सुनिए बुढ़ा। उमर नजमी कहते हैं कि दिखाई और न सुनाई किसी ने रस्म ऐसा, दिखाई और न सुनाई बुढ़ा सुनिएगा उमर नजमी के दूसरे, दिखाई और न सुनाई किसी ने रस्म ऐसा, बदन में रूह के हमराह आई रस्म अदा,
जिंदाबाद जिंदाबाद, थोड़ा और बोलिए, थोड़ा और आपकी आवाजों में गुंजाइश है, मुझसे पहुंच जाए तो बोल के बताइए क्या आप आमादा हो गए ताकि मैं पेशान को आपके हवाले कर दूं। दिखाई और ना सुनाई किसी ने रस्म अदा, बदन रूह के हमरा है रस्म अदा। सुनोगे इश्क की रुदात पांच शब्दों में, सुनोगे इश्क की रुदात पांच शब्दों में, सफर प्याम जुदाई लड़ाई रस्म अदा। सुनोगे इश्क की रुदात पांच शब्दों में, सफर प्याम जुदाई लड़ाई रस्म अदा। सुनोगे इश्क की रुदात पांच शब्दों में, सफर प्याम जुदाई लड़ाई रस्म अदा। अब ये शेर सुनिए है तो मैं नजमी का, लेकिन आप सबके लिए है, अगर आप सबके लिए है तो बोल के बताइएगा। मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, सफर कयाम जुदाई लड़ाई रस्म अदा। कहा गया कि चुनो सारी नेमतों में से एक, कहा गया कि चुनो सारी नेमतों में से एक, सो मैंने छोड़ के सब कुछ उठाई रस्म अदा। उठाई रश्मिया का आखिरी शेर इस सिलसिले का आखिरी दो शेर, तो मैंने छोड़ के सब कुछ उठाई रश्मिया का, मेरा सुकून मेरा सब कफन बना मैं हुसैन। अगर यही आपका भी है तो बोल के बताइएगा, वो मैं नजमी का शेर है, मेरा सुकून मेरा सब कफन बना मैं हुसैन, मैं करबलाई मेरी कुल कमाई रस्म अदा, मेरा सुकून मेरा सब सुखन बना में हुसैन, मेरा सुकून मेरा सब सुखन बना में हुसैन, मैं करबलाई मेरी कुल कमाई रस्म अदा। शायद लाउड स्पीकर के जरिए कोई हमारे अहले सुन्नत भाई सुन रहे हो तो जरा सा तवज्जो दे लें। आखिरी शेर उमैन नकवी, कहा गया कि चुनो सारी नियमतों में से एक, तो मैंने छोड़ के सब कुछ उठाई रस्म अदा, मेरा सुकून मेरा सब सुखन बना में होता है। आखिरी शेर सुनिए, मेरा सुकून मेरा सब सुखन बना में होता है, मैं कर बनाई मेरी कुल कमाई रस्म अदा। न मुझसे पूछना मजहब न तुमसे पूछूंगा मैं, काश मैं पढ़ ले जाऊं इस शेर को और आप बोल उठिए, सच्चा शेर है उमैन नजमी का। न मुझसे पूछना मजहब न तुमसे पूछूंगा मैं, अदा करेंगे मगर दोनों भाई रस्म अदा। न मुझसे पूछना मजहब न तुमसे पूछूंगा मैं, अदा करेंगे मगर दोनों भाई रस्म अदा, अदा करेंगे मगर दोनों भाई रस्म अदा। माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। हाँ, न मुझसे पूछना मजहब न तुमसे पूछूंगा मैं, अदा करेंगे मगर दोनों भाई रस्म अदा। आइए हजरात मेरी बात खत्म, मैं यहाँ से एक पेशान का नाम मेरी फहरिस्त में है, जनाब मोहम्मद रजा साहब मुजफ्फरनगर।